हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मेरा रेसिपी है टेंगरा फिश की रेसिपी। ये बहुत ही यम्मी एंड टेस्टी होता है। मैं बंगाली स्टाइल में बना के दिखाऊंगी। इसमें पॉपी सीड या खसखस की मसाला से बनाया जाता है। ये बहुत यम्मी एंड टेस्टी होता है, स्पेशली सर्दी में गरम चावल के साथ खाने में इसे बहुत मजा आते हैं। तो चलिए इसकी रेसिपी देख लेते हैं। तो टेंगरा फिश बनाने के लिए यह मैंने लिया है 250 ग्राम टेंगरा फिश। उसमें मैं 1 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून नींबू का जूस एंड 1 टीस्पून कच्चा सरसों का तेल। कच्चा सरसों का तेल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये फिश थोड़ा चटकता है तेल में देने के बाद, गरम तेल में देने के बाद। इसलिए इसे इसमें अगर कच्चा तेल आप लगा लो फिश में तो ये चटकेगा कम। तो इसको मैं अभी सारा चीज मिला के इसको 10 मिनट मैरिनेट करके रख दूंगी। सब्जियों में मैं यहाँ पे लिया है छोटे छोटे टुकड़ों में कटा हुआ बैंगन, स्प्रिंग अनियन, यह है छोटे टुकड़ों में कटा हुआ टमाटर, यह है प्याज बारीक बारीक काट लिया मैंने, और यह है पॉपी सीड। पॉपी सीड में मैं 4 लहसुन की कली और 2 हरी मिर्च से इसको पेस्ट कर लिया। फिश को तलने के लिए यह मैंने मस्टर्ड ऑयल गरम कर लिया है। आप चाहो तो रिफाइंड ऑयल में भी ये फिश बना सकते हो। तो फ्रेंड्स, तेल मेरा अच्छे से गरम हो गया है। अब मैं इसमें एक एक करके फिश दे दूंगी। तो फ्रेंड्स, फिश मेरा सारा फ्राई हो गया है। अब मैं उसी तेल में एक कलौंजी का 1 टीस्पून कलौंजी का तड़का लगा दूंगी और इसमें मैं प्याज को फ्राई कर लूंगी। अब मैं टमाटर भी दे दूंगी, इसको मैं अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी छोटे टुकड़ों में कटा हुआ बैंगन, इसे भी प्याज और टमाटर के साथ अच्छे से फ्राई कर लूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी स्वाद अनुसार नमक। गैस का फ्लेम हमें लो मीडियम में रखना है। 1 टीस्पून हल्दी पाउडर एंड 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इसको अच्छे से अब भूनना है जब तक बैंगन सॉफ्ट ना हो जाए। तो बैंगन मेरा सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें खसखस का पेस्ट जो मैंने बना लिया था मिक्सी में वो ऐड कर दूंगी। अब मैं इसमें ऐड करूंगी स्प्रिंग अनियन जिसे मैं लंबा लंबा टुकड़ों में काट लिया है। इसे अब भूनना है जब तक स्प्रिंग अनियन थोड़ा सा सॉफ्ट ना हो जाए। अब मसाला मेरा तेल छोड़ दिया है, स्प्रिंग अनियन एंड बैंगन भी सॉफ्ट हो गया है। अब मैं इसमें ऐड करूंगी फिश। इसको हल्के हाथों से मसाले के साथ हमें मिलाना है कि फिश टूट ना जाए। अब मैं इसमें ऐड करूंगी पानी। इसमें 1.5 कप पानी मैंने ऐड किया है। हमें ज्यादा पानी ऐड नहीं करना है क्योंकि ये ग्रेवी थोड़ा थिक बनेगा।
अब इसे ढक के मैं 5 मिनट उबाल लूंगी और गैस का फ्लेम हमें लो मीडियम में रखना है। तो 5 मिनट मेरा हो गया है, फिश मेरा बनके तैयार है। ज्यादा टाइम नहीं लगता इस फिश में। अब मैं अच्छे फ्लेवरों के लिए ऊपर से 3 हरी मिर्च ऐड करूंगी। ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो थोड़ा सा कच्चा मस्टर्ड ऑयल भी ऐड कर सकते हो, उसमें भी बहुत बढ़िया फ्लेवर आते हैं। तो अब मैं फिश को कढ़ाई से निकाल लूंगी। तो फ्रेंड्स, टेंगरा फिश का ये तेल मसाला कारी विथ पॉपी सीड ये बनके मेरा तैयार है। ऊपर से आप चाहो तो धनिया पत्ते से भी गार्निश इसे कर सकते हो। तो प्लीज रेसिपी को आप ट्राई करना, ये बहुत ही टेस्टी बनता है, स्पेशली चावल के साथ खाने में बहुत मजा आते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड हिट बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशन। थैंक यू।